संजू मूवी का यह घटिया सीन है जिसमें रणबीर कपूर को दारू पीते हुए दिखाया जाता है। उसके बाद इन दोनों के आंखों आंखों में कुछ इशारे होते हैं और फिर भाई साहब टपा टप टपा टप टपा टप मालूम ना। लेकिन उससे पहले ये आप लोग देखिए कि कैसे रणबीर कपूर द्वारा गणेश जी की मूर्ति को बेहुदा ढंग से घुमाया जाता है। ध्यान रहे, इस सीन में रणबीर कपूर ने अपने हाथों में दारू का ग्लास पकड़ा हुआ था और उसी हाथ से इसने गणेश जी की मूर्ति को हाथ लगा दिया। अब आप लोग देखिए कि ये लोग किस लेवल के बेहुदा और घटिया मानसिकता के लोग हैं। इस सीन में कोई जरूरत थी ही नहीं हिंदुओं की धार्मिक भावनाओं को आहत करने की। उस टेबल पर गणेश जी की मूर्ति की जगह फलाना ढिमकाना कुछ भी तो रखा जा सकता था ना। इन लोगों ने जानबूझकर वहां गणेश जी को अपमानित किया और हमारा भोला भाला हिंदू समाज इस इतनी बड़ी बेअदबी पर भी बेवकूफों की तरह तालियां बजाया और इस फिल्म को हिट करवाया। अभी जरा सोचिए, नहीं सोचिए, ऐसा भद्दा मजाक अगर किसी और धर्म के आराध्य के ऊपर किया गया होता, नो मैटर वो सिख भाई होते, नो मैटर वो मुसलमान भाई होते, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई साहब कि वो क्रिश्चियंस होते, ऐसा मुंह तोड़ जवाब इन एक्टर्स और ऐसे डायरेक्टर्स को दिया गया होता कि इनके आने वाली 7 पुश्ते फिल्में बनाने से कतरा जाती। असहिष्णुता अपनी जगह पर बिल्कुल ठीक है, मगर आपके आराध्य पर जब बार बार घटिया कॉमेडी करी जाती है, एक पर्टिकुलर एजेंडा के तहत जब आपके पूरे समाज और सनातन धर्म को अपमानित किया जाता है और उसके बाद भी आप लोग चुपचाप बैठे होते हो, तो माफ करिएगा भाई साहब, उसे असहिष्णुता नहीं महामूर्खता कहा जाता है। मैं ऐसा नहीं कहता कि इन लोगों ने जो किया या जो ये लोग लगातार कर रहे हैं उसके लिए इनके साथ पर्सनल लेवल पर जाकर कोई कांड कराओ, बल्कि इनकी फिल्मों को इतना बॉयकॉट कर दो कि ये सारे के सारे रोड पर चले आए और जिस धर्म को ये लोग लगातार टारगेट करते हैं उसी धर्म के मंदिरों के बाहर ये लोग भीख मांगते बैठे। एक तो वैसे ही पूरे के पूरे बॉलीवुड के अगेंस्ट लगातार ट्रोलिंग का कहर बरप रहा था और बीते कुछ दिनों से ठुकती जा रही रणबीर कपूर की फिल्म ब्रह्मास्त्र और एक बार बहुत बुरे तरीके से ठुक चुकी है। पहले तो इसकी मंदिर के अंदर जूते पहनकर जाने वाली क्लिप वायरल हो जाती है, उसके बाद बीफ खाने वाला भाषण आप सभी लोगों को दिख जाता है, तो अभी तो भाई साहब ये वाली क्लिप। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर आप लोग क्या सोचते हैं, आप अपनी राय मुझे कमेंट बॉक्स में बताना बिल्कुल भी ना भूले। अगर आप अभी तक हमारे चैनल के साथ जुड़े हुए नहीं हैं तो जुड़िए ना भाई साहब, जुड़कर हमारी आवाज और बुलंद करिए। मैं मिलता हूँ आप सभी से बहुत ही जल्द अगली वीडियो में और एक नए अपडेट के साथ।